हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र सिंह राठौड़। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने के लिए लाया हूं जो कि मानी जाती है पौराणिक कथाओं के लिए और ऐतिहासिक जगह है। जो पहले माना जाता है कि यहां पर श्री कृष्ण भगवान यहां से गुजरे थे और अंग्रेज लोग का भी शासन यहां पर रहा है। तो चलिए गाइस, मैं आपको जगह दिखाता हूँ आपको। आइए गाइस, ये जगह बहुत पुरानी है, इस वजह से यहाँ पर कांटे वाटे सब कुछ लगे हुए हैं। थोड़ा संभल कर, अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, तब अंग्रेजों को शिकार के लिए स्पेशल जो बनाया गया था, उनका जो घुम्मट कहा जाता है शिकार के लिए, वो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ आपको। पहले दोस्तों, अभी हम इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अंग्रेज शासन में शिकार कैसे किया जाता था। ये पेशो शिकार के लिए बनाया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। ये बहुत पुराना है, ये इसका गेट है। चलिए आइए अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ देखते हैं। ये देखिए, अभी हम मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग इसके अंदर शिकार कैसे करते थे। ये जो आप जो देख रहे हैं ना, आइए देखिए, यहाँ से अंग्रेज लोग बंदूक लगा करके यहाँ पर बैठा करते थे और यहाँ से कोई भी शिकार निकलता तो यहाँ से फायरिंग करते थे ये लोग, और यहाँ से फायरिंग करके शिकार को मार डालते थे ये लोग। यहाँ से इस तरह से शिकार हुआ जाता था। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पर आपको दिखेगा ये दोनों साइड से है। ये शिकार करने की बहुत अंग्रेजों की प्राचीन परम्परा है। ये देखिए, एक यहाँ पर होल है और एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर दोनों साइड गन लगा के बैठे। ऐसे कई सारे होल हैं जो पूरी बिल्डिंग के अंदर, इस राउंड के अंदर आपको मिलेंगे। देखिए बहुत सारे होल है इधर, बहुत सारे। इसमें कहा जाता है दोस्तों कि ये पहले यहाँ पर बहुत घना जंगल हुआ करता था, शेर वगैरह भी बहुत कुछ हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम पे। ये यहाँ पर इन्होंने इसलिए बनाया था कि यहाँ से बैठ करके शिकार कर सके। अभी मैं आपको एक इससे भी पौराणिक ऐतिहासिक जगह पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ से गुजरे थे और यहाँ पर पानी के लिए, पीने के लिए जो कहा जाता है ना कि बावड़ी पानी की, वो बनाई गई थी। अभी मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ, आइए। ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुरानी बावड़ी है जो श्री कृष्ण के टाइम से यहाँ से निकले थे श्री कृष्ण भगवान। जब जाके पानी की खोज के लिए, पानी की वजह से ये बावड़ी का निर्माण किया गया था। आइए आपको अंदर चल के भी दिखाते हैं किस तरह से क्या है। यहाँ पर रास्ता बहुत खराब है, में बहुत बहुत पुराना हो गया, इस वजह से इसकी हालत थोड़ी इसी ख़राब हो चुकी है। रास्ता बहुत ऐसा हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसके अंदर टोटल 7 गेट है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके नीचे भी 4 गेट दूसरे पर, ये पानी से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं
सो गाइस मुझे बस आपको यही दिखाना था कि एक प्राचीन ऐतिहासिक चीज़ें कैसी होती है इस ब्लॉग के अंदर। सो गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आगे इससे भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग और ऐतिहासिक पौराणिक बहुत से ब्लॉग आपके लिए लाने वाला हूँ। सो गाइस आपको पसंद आया हो तो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। सो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।